हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये जो रेसिपी आप देख रहे हैं, जानते हैं क्या है? ये है अरबी के पत्तों के पकोड़े। जी हाँ, बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी बनते हैं और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। आप लोग इसे ज़रूर बनाकर खाइएगा, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा और एक लाइक तो कर ही दीजिएगा। तो और ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, हरी पत्ते वाली सब्जियों की रेसिपी है, तो वैसे ही हेल्दी होगी और देखने में ही देखिए कितने अच्छे लग रही है। तो चलिए मैं आपको बनाना बताती हूँ कि इसको कैसे बनाते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम अरबी के पत्तों को बढ़िया से धो के और ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, जैसे कि हम पालक काटते हैं। तो ये मैंने धो के और बढ़िया बारीक इसको काट लिया है। अब क्या करूँगी, मैं इसमें डाल दूँगी अपने स्वाद के हिसाब से थोड़ा सा नमक, और नमक डालने के बाद मैं इसमें आधा नींबू निचोड़ दूँगी। तो क्या होगा, इसके खट्टेपन से इसमें जो थोड़ा सा भी कड़वाहट या गले में जो चीज़ खाने में लगती है वो नहीं लगेगी, और ये थोड़े सॉफ्ट भी हो जाएंगे। तो इसे हम डालने के बाद करीब 10 मिनट के लिए मैं इसे ढक कर रख दूँगी ताकि ये बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए और इसमें नींबू और नमक मिल जाए। इसे हम साइड में रखते हैं और अब एक बैटर रेडी करते हैं। इसके लिए मैंने ये एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है। इसमें मैं एक कप बेसन डाल दूँगी। एक कप बेसन में ही ये काफ़ी अच्छे से बन जाएंगे। अब इसमें मैं डाल दूँगी एक चम्मच अजवाइन, जिसे कि हाथों से क्रश करके डालेंगे। अजवाइन का टेस्ट बहुत अच्छा होता है और ये बादी भी नहीं होती है, पाचन में मदद करती है हमारा। अब मैं इसमें आधी चम्मच हल्दी डाल दूँगी। फिर इसके बाद मैं ऐड करूँगी कश्मीरी लाल मिर्च, ये तीखापन भी कम होता है इसमें और इसका कलर बहुत अच्छा आता है। इसके बाद मैंने धनिया डाल दिया है एक चम्मच, धनिया पाउडर। और फिर इसके बाद मैं नमक डाल दूँगी। थोड़ा नमक हमने वहाँ पत्तों में भी डाला है तो यहाँ थोड़ा ही नमक डालेंगे। और इसके बाद मैंने एक चम्मच जीरा ले लिया है। अब मैं करीब एक छोटी आधी चम्मच डाल दूँगी इसमें हींग। हींग और अजवाइन हम दोनों चीज़ डालेंगे ताकि ये अच्छे से, मतलब खाने में इसमें टेस्ट अच्छा आए और पाचन में भी रहे। और थोड़ा सा गरम मसाला मैं डाल दिया है मैंने। इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी एक चम्मच सफ़ेद तिल। सफ़ेद वाले तिल अगर आप लोगों के पास नहीं हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये जब तलते हैं तो बढ़िया अच्छे लगते हैं। यहाँ पे मैंने खलबत्ते में हरी मिर्च और लहसुन को दरदरा कूट लिया है, तो हरी मिर्ची से भी थोड़ा इसमें तीखापन आ जाएगा। अब इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बैटर रेडी कर लेंगे। इसका बैटर जो रहेगा, जैसे हम पकोड़े बनाते हैं भजिए, उससे थोड़ा सा थिक रहेगा, ताकि है ना उसमें हम पत्ते मिलाएंगे तो वो इसमें अच्छे से हो जाए। पतला रहेगा तो अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो इसका बैटर ऐसा ही रेडी करिएगा, मैं आपको दिखाऊंगी कि किस टाइप का बैटर रखना है। ये देखिए, इस टाइप का बैटर आपको रखना है। और इसके बाद जो पत्ते मैंने नमक और नींबू मिला के रखे थे उसे हम इसमें डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैं इसमें हरा धनिया भी डालूँगी। हरा धनिया का भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है, और ये मैंने करीब आधा कप हरा धनिया बढ़िया से धो के काट के रख लिया था, उसे भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। और मिक्स होने के बाद अब मैं क्या करूँगी, मैंने एक केक टिन ले लिया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर दूँगी मैं, क्योंकि हमें इसमें बैटर को डाल के और उसे बढ़िया पकाना है ताकि ये केक की तरह आसानी से इसमें से निकल जाए। तो मैं ये ब्रश की हेल्प से इसमें बढ़िया ऑयल लगा दिया। अभी इस बैटर को मैं ये केक टिन में डाल दूँगी। इसमें हमें फैला देना है पूरा बैटर। और साइड में मैंने कढ़ाई में ना पानी गर्म करने के लिए रख दिया है, क्योंकि हमें इस बैटर को, केक टिन को उसमें रखना है और उसके बाद उसे पकाना है। तो पानी मेरा लगभग गर्म ही हो चुका है, अब मैं इस केक टिन को इसमें रख देती हूँ। ये देखिए, और रखने के बाद करीब 10 से 15 या 20 मिनट तक आप देख लीजिएगा, इसे ढक कर बढ़िया पकाना है कम आँच पर। अब मैं इसको देख ले रही हूँ, और इसमें आप थोड़ा सा नाइफ़ या कोई भी चीज़ डाल के देख लीजिए कि अच्छे से, देखिए इजीली निकल गई, इसमें चिपका भी नहीं है, मतलब ये हो गया है। अब मैं इसे निकाल कर ठंडा होने के लिए रख दूँगी। ये ठंडा हो चुका है और इसे मैं बढ़िया से ऐसे पलट के आप थोड़ा थपथपाएंगे तो निकल जाता है।
ये देखिए निकल गया है। अब क्या करेंगे, एक कटोरी या गिलास ले लेंगे इस टाइप से, और इसको ना इसमें दबाएंगे हम, तो ये क्या है पूरा नीचे तक उसी शेप में कटोरी में आ जाएगा। आप चाहे तो ग्लास भी ले सकते हैं या इससे छोटी कटोरी भी ले सकते हैं अगर थोड़ा सा बनाना चाहें। फिर कटोरी थपथपाएंगे तो देखिए ये इस टाइप से गोल गोल शेप में निकल जाएंगे, और अब हम इसे ऐसे केक की तरह काट लेंगे स्लाइस में। ये बहुत आसानी से कट जाते हैं क्योंकि ये स्टीम में पूरा पक चुका है। ये देखिए, इसको आप ना अगर पूरा नहीं खाना चाहें तो ऐसे ही काट के फ्रिज में रख लीजिए, एक दो दिन के बाद आप इसको तलकर खा सकते हैं। अब यहाँ तेल मैंने गरम कर लिया था, अब इसमें मैं ये सारी स्लाइस डाल दूँगी, और इसे मीडियम आंच में ही हमें सेकना है। बढ़िया आगे पीछे पलटते हुए हम इसे बढ़िया तल लेंगे। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं कढ़ाई में डाल के, लेकिन मैं फ्राई पैन में ही कर रही हूँ तो इसीलिए हम इसे पलट के देखिए कितने बढ़िया सुनहरी कलर में ये तलकर रेडी हुए हैं। आप चाहे तो इसे चटनी या सॉस के साथ खा सकते हैं। अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।